हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, आज हम सीरीज़ को लेकर के और उसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी को लेकर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉड्यूल 3 के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, सीरीज की बेसिक डेफिनेशन क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जैसे कि पी सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी किस कंडीशन पर डिपेंड करती है। ये सब चीज़ें हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 3 के आज। और इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने के आपको चांसेस रहेंगे इस टॉपिक से, क्योंकि बेसिक है ये, बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आप आगे इसमें कंपैरिजन टेस्ट, कोची रूट टेस्ट या रेशियो टेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो बेसिक से रिलेटेड है ये सब चीज़ें, तो इसको ध्यान से देखेंगे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉड्यूल 3 के। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आपके डेफिनेशन बेस्ड होंगे, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ओके। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस का अगर सम कर दे वो सीरीज बनता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि ए सीरीज इज, तो आप लिख देंगे कि सम ऑफ द सीक्वेंस। सीरीज जो है सीक्वेंस का सम होता है। ए सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज, कोई सीरीज है हमारी फाइनाइट सीरीज कहलाएगी यदि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, तो इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, सिंपल सी बात है, यदि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके। फिर मैंने आपको किसी सीरीज समेशन यून के लिए पार्शियल सम निकालना बताया था। अगर समेशन यून हमारी सीरीज है जिसको हम ओपन करें, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की आपको सीरीज मिलेगी। यदि हम इसमें s1 निकालते हैं, तो s1 का मतलब एक टर्म, s2 का मतलब दो टर्म का सम होता है, u1 प्लस u2, s3 का मतलब तीन टर्म का सम होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा sn निकलता है, और sn का मतलब होता है nth टर्म का सम, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un, ये n टर्म का सम होगा, ठीक है। तो इसी को हम पार्शियल सम बोलते हैं सीरीज के लिए। तो इसमें यही पूछा है कि nth जो पार्शियल सम होगा sn किसी सीरीज के लिए वो क्या होगा। तो इसमें आपका जो है r इक्वल टू समेशन 1 से स्टार्ट होकर n तक जाता है, तो इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर इस पार्शियल सम की सीक्वेंस जो हमारी बनती है sn, उस सीक्वेंस पर ही सीरीज की कन्वर्जेंसी डिपेंड करती है। अगर ये पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, अगर ये ऑसिलेट करती है तो सीरीज ऑसिलेट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि जो समेशन un सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ द पार्शियल सम सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है sn पार्शियल सम की, तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। फिर अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो सिंपल सी बात है sn की लिमिट आप निकालेंगे वो फाइनाइट आनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, क्योंकि सीक्वेंस पर डिपेंड करेगी सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होती है, यदि उसकी लिमिट फाइनाइट और यूनिक हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही है कि द सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ़, आपको पता है कि sn सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए, और sn सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, जब उसकी लिमिट sn की हम निकालेंगे वो फाइनाइट होगी, तो इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा। द सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीरीज डाइवर्जेंट होगी यदि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है sn वो डाइवर्जेंट हो जाए, तो ए ऑप्शन होगा। और दूसरी इसमें इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, डाइवर्जेंट कब होती है, यदि आपको लिमिट sn की इन्फाइनाइट मिले तब डाइवर्जेंट होती है, तो इन्फिनिटी मिले या माइनस इन्फिनिटी मिले। तो इसका हमारा एक क्वेश्चन है कि द सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ़ लिमिट sn की आप निकालें वो इन्फाइनाइट हो। फिर सीरीज हमारी ऑसिलेट होगी फाइनाइटली यदि sn ऑसिलेट करे फाइनाइटली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन हो जाएगा, द सीरीज समेशन un ऑसिलेट फाइनाइटली इफ़ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट फाइनाइटली। और आपको सीक्वेंस को पता है कि वो फाइनाइटली ऑसिलेट कब कर सकती है, sn सीक्वेंस है फाइनाइटली ऑसिलेट तभी करेगी यदि ये बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ये बाउंडेड तो हो और कन्वर्जेंट ना हो, तो ये हमेशा ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि द सीरीज समेशन un इज ऑसिलेट फाइनाइटली इफ़ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये बाउंडेड हो और कन्वर्जेंट ना हो, इसमें आपका बी ऑप्शन बनता है। तो बी ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे हम इसमें, यहाँ पर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके। फिर ऑसिलेट इन्फाइनाइटली का भी आपको पता है कि जो सीरीज है वो ऑसिलेट इन्फाइनाइटली होगी यदि sn जो है सीक्वेंस वो ऑसिलेट करे इन्फाइनाइटली, और ऑसिलेट इन्फाइनाइटली आपको पता है कि कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो
अनबाउंडेड का मतलब वो बाउंडेड ना हो और साथ में वो डाइवर्जेंट भी ना हो, नॉट डाइवर्जेंट, ठीक है। अनबाउंडेड हो और डाइवर्जेंट ना हो तो वो हमेशा ओसिलेट करती है इनफाइनेटली, ये हमने आपको सिक्वेंस में बताया था, है ना। इसके एग्जांपल भी मैंने वहाँ पर दे रखे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 यही है कि जो सीरीज है समेशन यूएन वो ओसिलेट करेगी इनफाइनेटली इफ़ द सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज अनबाउंडेड बट नॉट डाइवर्जेंट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, अनबाउंडेड भी हो और डाइवर्जेंट भी ना हो। तो SN जो है हमारी बाउंडेड होगी लेकिन डाइवर्जेंट नहीं होगी, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। फिर इन्हीं को लेकर एग्जांपल्स है आपके, है ना। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल को देखा जाए तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका सीरीज दी है 1/2, 1/2, 1/4, 1/8। तो अगर इसको हम सीरीज फॉर्म में लिखें तो ये हमारी कुछ इस तरीके की सीरीज बनेगी 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो कि एक GP है, ज्योमेट्रिक सीरीज। और अगर इसका कॉमन रेशियो निकाले तो 1/2 कॉमन रेशियो आएगा। और अगर इसकी हम इसका हम सम निकालते हैं, सम का मतलब SN, nth टर्म का सम निकालते हैं, तो वो SN होगा। और SN का फॉर्मूला होता है a(1-r)(n)/1-r। तो इसको सॉल्व करके मिलेगा फर्स्ट टर्म 1/2 और ये 1 माइनस, यहाँ से आपको मिलता है r(n), यानी कि 1/2 की पावर n, और अपोन में मिलेगा आपको 1-r, r की वैल्यू है 1/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, 1-1/2 की पावर n मिलेगा। और यदि हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे 1-1/2 की पावर n की, तो ये हमें 1 देगी, जो कि एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगी हमेशा हमारी कैसी सीरीज होगी, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, क्योंकि ऊपर मैंने बताया है आपको कि अगर SN सीक्वेंस आपको फाइनाइट लिमिट देती है तो उसी पर डिपेंड करती है सीरीज की कन्वर्जेंसी। अगर SN सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ पर SN की चूंकि हमने बनाई थी nth टर्म का सम, ये फाइनाइट लिमिट देती है, तो ये हमारी कन्वर्जेंट होगी। और इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब किस पे कन्वर्ज करेगी ये सीरीज, 1 पर कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 में यही क्वेश्चन है, उसमें कहा है कि किस लिमिट पर कन्वर्ज करेगी। तो अभी आपने देखा ये 1 पर कन्वर्ज कर गई, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सीरीज दी है आपको, उसका बिहेवियर चेक करना है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट करती है। तो यदि आप यहाँ पर SN बनाए, SN आप जानते हैं कि इसकी शुरू की जो nth टर्म है उसको हमें उठाना पड़ेगा, 1 से लेकर n तक उठा लेंगे, ये SN होगा। तो इस SN को हम nth पार्शियल सम की सीक्वेंस अगर बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके आपका फॉर्मूला होता है n(n+1/2), ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी सीक्वेंस भी हमारी यही बनेगी अगर हम इसकी लिमिट निकाल दें। अगर हम इसकी लिमिट निकाल दें SN की, तो आपको मिलता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये n(n+1/2), n को इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी आएगा, यानी कि ये जो सीक्वेंस है आपको इनफाइनाइट लिमिट देती है, तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी ये सीक्वेंस। तो फिर ये सीक्वेंस क्या बनेगी, डाइवर्जेंट बनेगी। और अगर ये SN सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सेम क्वेश्चन है वो भी, उसमें भी हमें 16 में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इस तरीके से दिया है। तो इन टर्म का सबका स्क्वायर कर देंगे SN में, है ना। और जब उसका आप फॉर्मूला लगा करके उसकी वैल्यू लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/6 n(n+1) और 2n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यदि आप दोनों साइड में लिमिट लेंगे, n को इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, तो दोनों साइड में n की लिमिट लेने पर, n को इन्फिनिटी रखने पर आपको ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा। मतलब ये SN सीक्वेंस आपको इन्फाइनाइट वैल्यू देगी, इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये भी डाइवर्जेंट होगी। और अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, तो इसका भी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 17 में हमें कहा है कि -1 की पावर 3, -2 की पावर 3, है ना, इस सीरीज को बताना है कि ये किस पॉइंट पर डाइवर्ज करेगी, 1 पर, 2 पर, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस SN जब बनाएंगे तो SN में इसमें शुरू की n टर्म लेनी पड़ेगी। तो n टर्म को मैं माइनस कॉमन लेकर के लिखता हूँ, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, और प्लस डॉट 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 n की पावर 3 बन जाएगा। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है,
एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू की पावर थ्री, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन दोनों तरफ जब n को इन्फिनिटी रखोगे, दोनों तरफ n को इन्फिनिटी रखने पर, ये आपको n को इन्फिनिटी रखने पर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो मतलब यहाँ पर ये जो एस एन सिक्वेंस है डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आई है, तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। किस पर डाइवर्ज करेगी? माइनस इन्फिनिटी पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर जो आपकी सिक्वेंस होती है माइनस वन की पावर n, जब इसमें n को वन रखेंगे तो माइनस वन आएगा, एन को टू रखने पर प्लस वन आएगा, एन को थ्री रखने पर माइनस वन, एन को फोर रखने पर, तो ये अल्टरनेट माइनस वन वन माइनस वन वन आती रहेगा, है ना। और अगर आप इसमें डेफिनेशन भी लगाते हैं तो ये जो सीक्वेंस है माइनस वन की पावर एन एस एन मानी जाए, तो ये हमारी ओसिलेट करती है फाइनेटली, क्योंकि ये बाउंडेड होती है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं होती। तो सीरीज भी हमारी कैसे ओसिलेट करेगी? फाइनेटली ही ओसिलेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 19, द सीरीज समेशन यू एन इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज कब कहलाएगी? यदि उसकी सभी टर्म पॉजिटिव हो, यानी कि एन की वैल्यू के लिए सभी टर्म पॉजिटिव हो, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ये भी आपको पता है कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है, या तो वो कन्वर्जेंट होती है या वो डाइवर्जेंट होती है, वो कभी भी ओसिलेट नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि द पॉजिटिव टर्म सीरीज इज मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट नेवर ओसिलेट ऑल ऑफ दीज। तो उसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि जो हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है या तो वो कन्वर्जेंट होती है या वो डाइवर्जेंट होती है, वो कभी भी ओसिलेट नहीं करती। 21 में द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन यू एन इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया तो या तो कन्वर्जेंट होती है या फिर ये डाइवर्जेंट होती है, कभी भी ओसिलेट नहीं करती। फिर ज्योमेट्रिक सीरीज पर आते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए आपको ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये मैंने आपको बताया था कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है समेशन आर की पावर एन, ठीक है, यदि हम आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लेते हैं तो ये कन्वर्जेंट होती है, है ना। यदि आर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू वन लेते हैं तो ये डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। और आर की वैल्यू माइनस वन लेने पर ये ओसिलेट करेगी फाइनेटली, और आर की वैल्यू लेस देन माइनस वन लेने पर ये ओसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। ये आपको मैंने ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में लेक्चर में पहले से बता रखा है, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से पहले जो बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूले मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रखे हैं और वीडियो भी उस पर बनी हुई है, तो उनको देख करके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे और उसको आप इजीली कर भी पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कन्वर्जेंट आर की वैल्यू माइनस वन से वन के लिए राइट है, डाइवर्जेंट आर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू वन के लिए राइट है, ओसिलेट फाइनेटली इफ़ आर इक्वल टू माइनस वन ये भी राइट है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, इसका मतलब यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर इसी को ट्विस्ट करके नीचे लिखा गया, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी आर की पावर एन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है जीपी, इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट ऊपर बताया मैंने, जब आर की वैल्यू माइनस वन से वन होगी। 24 में डाइवर्जेंट पूछा है, जब आर की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू वन होगी। फिर ये आपको दो एग्जाम्पल दिए है इसी के बेस्ड, है ना, ये एग्जाम में आते रहते हैं। वन अपॉन थ्री का स्क्वायर, ये आपको सीरीज दी है और आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ये जीपी है, अगर जीपी में देखा जाए यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालो आर की वैल्यू 1/3 आएगा, 1/3 लेस देन 1 होता है। और ऊपर जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब आर की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होती है तो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है, तो उसका आंसर कन्वर्जेंट होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन ईजिली आप कर दोगे सीरीज के, जो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। फिर 26 में भी आपको एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी है, ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर कॉमन रेशियो फाइंड करें तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 4/3 होगी, 4/3 जो है आपका 1 से बड़ा हो जाता है ना। और आपको मैंने बताया था जब वैल्यू आर की 1 से बड़ी या बराबर हो जाएगी तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। और ये माइनस वन की पावर एन, ये मैंने ऊपर बताया आपको ज्योमेट्रिक सीरीज में कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज में यदि आर की वैल्यू माइनस वन लेंगे तो ओसिलेट करेगी फाइनेटली। और फिर इसी ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर आप आर की वैल्यू लेस देन माइनस वन ले लेंगे तो ओसिलेट करेगी इनफाइनेटली। तो ये माइनस थ्री की पावर एन जो सीरीज है, यहाँ पर आर की वैल्यू आपकी लेस देन माइनस वन है तो वो ओसिलेट कैसे करेगी? वो ओसिलेट करेगी इनफाइनेटली, ठीक है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर 29 में आपको पी सीरीज दी है। पी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो पी सीरीज होती है समेशन 1/n की पावर p, जिसको ऑग्जिलरी सीरीज भी कहते हैं या हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं,
तो ये जो पी सीरीज होती है, जब पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये कन्वर्जेंट होती है, और जब पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन होगी तो ये डाइवर्जेंट होती है। ये मैंने आपको उसके लिए फॉर्मूला बता रखा है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 29 में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फॉर द इनफाइनाइट ऑक्सिलरी सीरीज समेशन एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी वन अपॉन एन की पावर पी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो इसमें हमारा पी ग्रेटर देन वन कन्वर्जेंट राइट है, पी इक्वल टू वन डाइवर्जेंट सी भी राइट है, और डी भी राइट है, तो बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद भी रखें क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट में भी बहुत यूज होने वाली डेफिनेशन है ये। फिर इन्हीं के बेस्ड कुछ एग्जांपल है, यदि हम यहाँ पर इस सीरीज में पी की वैल्यू वन ले ले तो ये सीरीज बन जाएगी आपकी वन अपॉन एन, इसको ओपन करने पर मिलेगा वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर, तो ये भी हमारी एक पी सीरीज है, लेकिन यहाँ पर जो पी की वैल्यू है वो वन है, और पी इक्वल टू वन के लिए सीरीज क्या होती है, पी इक्वल टू वन के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये जो नीचे सीरीज दी है पी सीरीज टेस्ट से, ये हमारी जो सीरीज है डाइवर्जेंट होगी। तो पी सीरीज अगर आपको टेस्ट पता है तो ईजिली आप बता सकते हो, इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि पी की वैल्यू ग्रेटर दैन वन तो कन्वर्जेंट, और अगर पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर पी की वैल्यू वन है इसलिए सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब नेक्स्ट भी आपको एक पी सीरीज दी है, ठीक है, यदि आप पी सीरीज में यहाँ पर वैल्यू देखो पी की, तो यहाँ पर ये सीरीज बनेगी वन अपॉन एन की पावर टू, तो पी की वैल्यू यहाँ पर टू होगी, और टू वैल्यू वन से बड़ी होती है, और जब पी की वैल्यू वन से बड़ी होती है सीरीज होती है कन्वर्जेंट। तो अगर आपको ये सीरीज टेस्ट पता है जो मैंने आपको ज्योमेट्रिक के लिए और ये पी सीरीज के लिए बताया, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, पी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पी की वैल्यू यहाँ पर देखी जाए तो वो थ्री अपॉन टू होगी जो कि वन से बड़ी होती है, तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट। नेक्स्ट में पी की वैल्यू टू अपॉन थ्री है, टू अपॉन थ्री लेस देन वन होता है, और लेस देन वन पर सीरीज होगी आपकी डाइवर्जेंट। केवल पी की वैल्यू चेक करनी है आपको। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन को लेकर, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यदि हमारी समेशन यू एन सीरीज कन्वर्जेंट है, ध्यान से समझिएगा, यदि समेशन यू एन सीरीज कन्वर्जेंट है तो यू एन की जो लिमिट होगी वो हमेशा जीरो की इक्वल आएगी। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो यू एन की लिमिट जीरो होगी, ये नेसेसरी कंडीशन होती है सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिए। तो 34 में यही है कि 34 में कहा है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन यू एन इज, वो होगी कि लिमिट जो यू एन की होती है वो जीरो के इक्वल होती है। फिर इसमें कहा है कि इफ़ द सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, अगर समेशन यू एन सीरीज कन्वर्जेंट है तो सिंपल सी बात है उसमें यू एन की जो लिमिट है वो जीरो के इक्वल होगी, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। फिर इसका कन्वर्स भी मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो यू एन की लिमिट जीरो होगी हमेशा, लेकिन अगर यू एन की लिमिट जीरो हो जाए तो ज़रूरी नहीं है सीरीज कन्वर्जेंट हो, सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है कि यदि यू एन की लिमिट जीरो हो जाए तो जो समेशन यू एन सीरीज होगी वो मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये उसका कन्वर्स पार्ट है जो ऊपर आपको नेसेसरी कंडीशन बताई है। नेसेसरी तो ये होती है कि समेशन यू एन अगर कन्वर्जेंट है तो यू एन की लिमिट हमारी जीरो होगी, लेकिन अगर यू एन की लिमिट जीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी सीरीज है समेशन यू एन वो कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट हो भी सकती है नहीं भी, यानी कि यू एन मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट। फिर नेक्स्ट है आपकी 37 में कहा है कि इफ़ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर आपने लिमिट निकाली यू एन की वो जीरो के बराबर ना आए, ठीक है, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आती तो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंट की नेसेसरी कंडीशन है कि यू एन की लिमिट जीरो होनी चाहिए। अगर यू एन की लिमिट जीरो के बराबर नहीं है तो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर 38 में कहा है कि जो समेशन अगर लिमिट यू एन की जीरो आ जाए और ये आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हो, ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज आपने ऊपर देखी है या तो वो कन्वर्जेंट होती है या वो डाइवर्जेंट होती है, वो कभी भी ऑसिलेट नहीं करती। तो यदि हमारी यू एन की लिमिट जीरो नहीं है तो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी, और चूंकि वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वो कन्वर्जेंट नहीं होगी तो इसका मतलब सीरीज क्या होगी, वो डाइवर्जेंट होगी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर 39 में कहा है कि यदि यू एन की लिमिट जीरो के बराबर ना हो फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज देन समेशन यू एन, ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा हमारा,
40 क्वेश्चन है लास्ट हमारा, सीरीज दी है और आपको बताना है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यूएन को देखें, यूएन की वैल्यू है हमारी यहाँ पर एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस वन की यदि लिमिट निकालते हैं तो एन अपॉन एन प्लस वन की जो लिमिट आएगी वो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पर एन को इन्फिनिटी रखने पर वन अपॉन वन प्लस जीरो यानी कि वन लिमिट आएगी जो जीरो के बराबर नहीं है। और अगर यू एन की लिमिट जीरो के बराबर नहीं है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो कैन नॉट बी कन्वर्जेंट, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। तो कैन नॉट बी कन्वर्जेंट पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि बेस्ड थे सीरीज की बेसिक डेफिनेशन पर, पी सीरीज पर, ज्योमेट्रिक सीरीज पर। और उम्मीद है इससे कि दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम आपको इसी लेक्चर से मिल जाएंगे, फिर इनका यूज हम करेंगे। जो पी सीरीज की मैंने कंडीशंस बताई है ज्योमेट्रिक सीरीज की याद रखिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा कंपेरिजन टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोची रूट टेस्ट के, ठीक है। तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। थैंक यू।